बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र में आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शिंदे की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। ग्राम बिनौरा निवासी सतीश का शव ग्राम दुलापुर स्थित हनुमान मंदिर के पीछे 8 दिसंबर को मिला था। शव 4-5 दिन पुराना होने के कारण खराब होने लगा था। पुलिस ने जांच की और निरीक्षण कर शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस अंधे कत्ले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। 25 दिन बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने बताया कि मृतक सतीश का आरोपी राजकुमार, उसके पुत्र रतनदीप और रोहित से गरीबी रेखा राशन कार्ड को लेकर विवाद चल रहा था। 4 दिसंबर 2021 को आरोपी राजकुमार, रोहित और रतनदीप ने अपने साथियों जिनमें अतुल, भारत और सोहेल के साथ मिलकर सतीश शेंडे की हत्या कर दी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सतीश बिनौरा में सड़क किनारे खड़ा था। बस चालक राजकुमार चौरे बालाघाट से लांजी आ रहे थे। रास्ते में सतीश को अकेले पाकर राजकुमार और उनके बेटे ने उसे जबरदस्ती बस में बैठा लिया। आरोपियों ने बस में सतीश पर रॉड और लकड़ी के गुटके से वार किया, उसे वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। सतीश का शव ग्राम दुलापुर स्थित हनुमान मंदिर के पीछे फेंक दिया गया। 8 दिसंबर को मिले शव की पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके बाद शव की पहचान होने के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लगभग एक माह पूर्व 8 दिसंबर को दुलापुर मोड़ के पास एक अज्ञात शव पड़ा हुआ था, तो प्रथम दृष्टया शव को देखकर यह प्रतीत हुआ कि किसी अज्ञात आरोपी द्वारा उक्त व्यक्ति की हत्या करके इसे जो है वहां पर फेंक दिया गया है। और इस सतीश शिंदे का विवाद जो है हमारे आरोपीगण जो है राजकुमार चौरे और उसके दोनों पुत्र और के साथ लगातार राशन कार्ड कटवाने को लेकर और कुछ शिकायतें उनके खिलाफ जो है अन्य विभागों को दी गई थी, जिससे परेशान होकर उनका कहना है कि हमने इसकी हत्या कारित कर दी।